हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं ट्राइब्स ऑफ सदर्न इंडियन रीजन के बारे में। दक्षिण भारत की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हम लोग देखेंगे और साउथ इंडिया वाला ये जो इलाका है, देखो कुछ लोगों को लगता है कि साउथ इंडिया सिर्फ इतना होता है, ठीक है। ज्योग्राफी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी ये वाली कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये जो पेनिनसुलर इंडिया होता है, इतना मध्य प्रदेश के नीचे आप आओगे, टेकिन प्लेट्यू जहाँ से शुरू होता है और वहाँ से लेकर पूरी ये जो कन्याकुमारी की जो टिप होती है, ठीक है, प्लस जो आपके ईस्टर्न घाट्स वाला जो रेंज होती है और वेस्टर्न घाट्स वाली जो रेंज होती है, ये पूरे जो इलाके हैं ये दक्षिण भारत कहलाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत की ये प्रॉपर डेफिनेशन अभी से नहीं, चोला चेरा पांड्या के ज़माने से है। खैर, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स दक्षिण भारत की, ठीक है। सबसे पहली प्रोमिनेंट ट्राइब दक्षिण भारत में जो हमें देखने को मिलती है, दे आर सिद्धी। तो जो सिद्धी हैं, सिद्धी एक ट्राइब है विच इज प्राइमरली फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गुजरात में इनके पास स्टेटस है ऑफ बींग अ PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जो इनकी एंसेस्ट्री है इतिहास में, जहां से जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो एंसेस्ट्री ये ट्रेस करी जा सकती है टू द बंतू स्पीकर्स फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका में जो डेजर्ट वाला इलाका है, वहां पर इतिहास से लेकर आज तक कुछ प्रोमिनेंट एक ग्रुप, मतलब आप ट्राइबल ग्रुप कह लो वहाँ का, तो बंतू ट्राइबल ग्रुप है। इनकी जो जड़ है सिद्धी ट्राइबल ग्रुप की, वो इनसे डिराइव होती है, बंतू स्पीकर्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका। तो सवाल ये उठता है कि जब इनकी एंसेस्ट्री जो है, जो इनकी खानदानी जड़ है, ये सब सहारन अफ्रीका से है, तो ये भारत कैसे आए? दे हैव बीन ब्रॉड टू साउथ एशिया। सिर्फ इंडिया नहीं आए, साउथ एशिया की विभिन्न कंट्रीज में ये फैलाए गए थे, लाए गए थे बाय पोर्चुगीज एज एनस्लेव्ड पीपल। वो बंदी बनाकर लाए थे इन्हें पोर्चुगीज रूलर जो थे, और साउथ एशिया के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न आइलैंड रीजन्स में, जहाँ पर भी वो व्यापार करते थे और उनको बंधुआ मजदूरी करवानी होती थी, तो वो ऐसे लोगों को सब सहारन अफ्रीका से उठाकर साउथ एशिया में लाते थे। ज्यादातर जो सिद्धी ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं भारत के अंदर, वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। ओके, अच्छी इंफॉर्मेशन है सिद्धी ट्राइबल ग्रुप के बारे में। और आपने पहला ऐसा ट्राइबल ग्रुप देखा जो अपनी लीनेज, अपनी एंसेस्ट्री ट्रेस कर रहा है फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका। भारत के मूल रूप के निवासी नहीं है ये, अब दक्षिण भारत की ट्राइब है। UPSC के लिए बड़ा आसान है आपको ये कहकर फंसाना, क्योंकि आपके दिमाग में 99% हर जगह पर यही बसा रहता है, भाई दक्षिण भारत के लोग तो इंडिजीनस हैं, दक्षिण भारत के लोग तो यहाँ के मूल रूप के निवासी हैं, वही यहाँ के नेटिव है, वही द्राविडियंस हैं, ये सब जो आर्यंस वगैरह हैं ये तो बाहर की पैदाइश हैं, सब कुछ जो है वो साउथ इंडिया के लोग हैं। लेकिन जब सिद्धि के बारे में आएगा तब आप गलत साबित हो जाओगे, ठीक है। दूसरा ट्राइबल ग्रुप है टोडास। टोडास जो है वो एक पेस्टोरल ट्राइब है ऑफ नीलगिरी हिल्स ऑफ सदर्न इंडिया, तमिलनाडु के अंदर। इनका जो स्टेटस है वो है बीइंग अ PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। टोडा लैंग्वेज अपने आप में एक द्राविडियन लैंग्वेज है, और जो इनका धर्म होता है, इट सेंटर्स ऑन द ऑल इम्पॉर्टेंट बफेलो, भैंस की पूजा करते हैं। इनकी एक स्पेशल प्रकार की एम्ब्रॉयडरी होती है, टोडा एम्ब्रॉयडरी, जिसका कि स्पेशल नाम होता है पुखोर। उसके अंदर दे यूज डिस्टिंक्टिव रेड एंड ब्लैक थ्रेड वर्क इन ज्योमेट्रिक डिजाइंस, एक सफेद कॉटन फैब्रिक पर, और इस पुखोर टोडा एम्ब्रॉयडरी को
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। ये होता है, ठीक है। सफेद कपड़े का बेस है, उसके ऊपर रेड और ब्लैक थ्रेड का वर्क होता है ज्योमेट्री डिजाइन्स में। कुछ ऐसा कपड़ा, फिर है इरुला या फिर इरुली का ट्राइब। जो इरुलास हैं वो तमिलनाडु के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ पर इनका स्टेटस है एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तमिलनाडु के अलावा दे आर फाउंड इन केरला, कर्नाटका, और ये एक द्रविड़ियन ट्राइब है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग सिद्धि को द्रविड़ियन ट्राइब बोल सकते हो क्या? सिदी को द्रविडियन ट्राइब बोल सकते हो क्या, हाँ या ना? देखो ये द्रविडियन ट्राइब ही है, बस यहां पर इनकी एंसेस्ट्री की बात हो रही है सब सारे अफ्रीका के। अब तो ये बड़े सालों से, काफी सारे साल हो गए, काफी सारे दशक हो गए, अब तो ये भारत के अंदर ही रह रहे हैं ना, ठीक है। जब इनकी जड़ की स्पेसिफिकली बात है, इनकी एंसेस्ट्री की बात है, तो इनका जो इतिहास है वो सब सारे अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, ओके। जो इरुला या फिर इरुलिगा है, दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ स्नेक्स एंड स्नेक वेनम। विभिन्न प्रकार के दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के जंगलों में जो सांप पाए जाते हैं, और अलग अलग सांपों का काटना और किसी शरीर पर जहर का फैलना किस हद तक हानिकारक हो सकता है, क्या वो ट्रीटेबल है क्या नहीं है, इसकी नॉलेज ये रखते हैं। देखो क्या होता है, क्या सारे स्नेक्स जो हैं वो वेनम स्पिट करते हैं क्या, हाँ या ना? नहीं। कौन सा सांप जो है वो शहद देता है प्राची, हमें भी कटवा दो जरा उससे नागिन से। ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि एक प्रकार से या तो वो बाइटिंग करते हैं, उनके बाइटिंग में गौरव शरीरी सांप का ऐसा होता है कि जहर भरा होता है उसके अंदर, उसके लिए वो जहरीला नहीं है, लेकिन इंसानों या जानवरों के लिए तो वह जहरीला है ना, उसके सलाइबा में वो कुछ ना कुछ वेनम तो है ना, ठीक है। लेकिन क्या सारे सांप का काट लेना, या जिसको आप आम भाषा के अंदर बोलते हो कि सांप काटता नहीं है, डसता है, उसका डस लेना क्या जरूरी है? क्या इंसान मदहोशी की हालत में, नशे की हालत में छा जाए, वो ठंडा पड़ने लगे उसका शरीर, उसको चक्कर आने लगे, उसको उल्टियां होने लगें, उसका जो खून है वो बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल नीला पड़ने लगे, तो कुल मिलाकर पर्सन जो है वो मदहोशी में या फिर मदहोशी से होते हुए मौत की तरफ बढ़ने लगेगा, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं। हर सांप का काटना जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको मौत की तरफ ले जाए, ठीक है। लास्ट ईयर जरा बताओगे गौरव इन सबको क्या हुआ था आपके घर पे? फायका, गौरव के पापा को सांप ने काट लिया था, 4-5 दिन तक या लगभग 1-1.5 हफ्ता थोड़ा सा वो रेस्टिंग मोड पर थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हाय तौबा मच गई हो। लेकिन बहुत सांप गौरव ऐसे भी होते हैं ना कि जिनके काटने पर अगर तुरंत इलाज ना मिले तो फिर परिस्थिति हमारे हाथ से जा सकती है। इसकी नॉलेज ना अगर बात करी जाए गांव वालों को या जंगल में रहने वाले लोगों को कि कौन सा सांप काटकर कितना एक इंसानी शरीर को प्रभावित कर सकता है,
एज कम्पेयर टू शहर के लोग, गांव के लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को ज्यादा होती है। एग्री करते हो? उस चीज में अगर आप इरुला या फिर इरुलिगा ट्राइब को कंपेयर करो, इनका तजुर्बा बहुत पीढ़ियों का है इस चीज में। सांप को देखकर बता देंगे कि ये जहरीला है, या अगर काट जाए तो हल्की सी कोई पेड़ की पत्ती लगा लो, जड़ी बूटी लगा लो, या फिर तुरंत इलाज की ज़रूरत है। और वो इलाज कितना ज़्यादा जल्दी मिलना चाहिए, किस हद तक मिलना चाहिए, कितनी देर तक मिलना चाहिए, औषधियाँ कौन कौन सी यूज़ होंगी, उसके बारे में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये एक प्रकार से नाम ही आ गया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकी, इरुला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एंटी स्नेक वेनम। ठीक है, एंटी स्नेक वेनम का मतलब क्या हुआ? हाँ, मतलब असर को रोकने के लिए जो दवा होगी वो एंटी स्नेक वेनम हुआ, राइट? ठीक है, 2023 में दो इरुला स्नेक कैचर्स जो है उनको अवार्ड दिया गया था एस पद्मश्री फॉर सोशल वर्क। फायका, ऐसी तुम नागिन किस्म की किसी बंदियों को जानती हो ना, तो उनको भी लगवा दो ऐसे वर्क पे, उनको भी मिल जाएगा पद्मश्री। क्यों ईशा, सही है कि नहीं है? कौन कहता है कि इंसान को सिर्फ यूपीएससी निकाल के पद्मश्री लेना है, ऐसे कामों से भी मिल रहा है। देखो, रिसेंटली इरुलास जो हैं दे रिसीव टाइटल डीड्स फॉर द लैंड ऑन द एजेस ऑफ बनेरघट्टा नेशनल पार्क। इनको बड़े सारे ट्राइब से टाइटल से नवाजा गया है, इन ट्राइब के लोगों को, क्योंकि ये बनेरघट्टा नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन पर काम करते हैं, कंजर्वेशन पर काम करते हैं। तो कौन से राज्य के अंदर हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क? कर्नाटका। ठीक है, इट इज अ नेशनल पार्क इन कर्नाटका, दिस इज बनेरघट्टा नेशनल पार्क, व्हाइट टाइगर। फिर हम ट्राइब के बारे में डिस्कस करते हैं, पनिया, पनियन या फिर पनियार, कुछ भी कह लो आप इनको, पनिया, पनियन या फिर पनियार। जो पनिया ट्राइब है वो एक द्रविड़ियन ट्राइब है, एंड इट इज फाउंड इन केरला, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और वो वहां पर एक पीवीटी चीज है। जो ये टर्म है पनिया, इसका मतलब होता है समवन हु डज वर्क या फिर लेबरर, जो मेहनत मजदूरी करे, वो होता है पनिया शब्द का मतलब। हिस्टोरिकली ये गुलाम थे हु वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ जनमीज या फिर लैंडलॉर्ड्स। जो पनिया ट्राइब है ऑफ नीलगिरी हिल्स बायोस्फीयर, बड़े टाइम से ये एलिफेंट स्टैचूज जो हैं वो बनाते हैं, हाथियों के स्टैचू बनाते हैं, फ्रॉम लेंटेना, अंडर अ प्रोजेक्ट बाय रियल एलिफेंट कलेक्टिव, द रियल एलिफेंट कलेक्टिव ट्रैक, जो कि एक एनजीओ है, टू एड्रेस द लेंटेना इशू इन अ इको सेंसिटिव मैनर। अब लेंटेना क्या होता है? ये फूल, इट इज अ फ्लोरा। ठीक है, और ये जो ट्रैक है द रियल एलिफेंट कलेक्टिव, ये एक एनजीओ है। ये इसके लिए काम करते हैं, तो ये एलिफेंट के स्टैचूज बनाते हैं। तो छोटे स्टैचू नहीं होते, ये कुछ इस साइज के स्टैचू होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। ये
क्लियर इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे एलिफेंट स्टैचूज हैं। रिमार्केबल आर्टवर्क, क्राफ्ट वर्क। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, चार ट्राइब्स हो गई ना हमारी अभी तक, पनिया, इरुला, टोडास, सिथी। फिर हम बात करते हैं कोटास के बारे में। कोटा एक इंडिजिनियस द्रविड़ियन स्पीकिंग ट्राइब है जो कि पाई जाती है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर। इनका एक बाइनियल फेस्टिवल होता है जहां पर कोटास जो होते हैं दे कलेक्ट मड फॉर पॉटरी मेकिंग। बाइनियल का मतलब क्या होता है, एक साल में दो बार या फिर दो साल में एक बार। बताओ भाई, दो शब्द होते हैं ना, एक होता है बाई एनुअल, अकरिंग ट्वाइस अ ईयर। इसका इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसकी हिंदी क्या हुई, साल में दो बार। एक होता है बाइनियल, हैपनिंग वंस एवरी टू ईयर्स, इसका मतलब क्या हुआ, दो साल में एक बार। तो ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, एक साल में दो बार या दो साल में एक बार, दो साल में एक बार। आपको कभी भी इस शब्द में कंफ्यूजन आती है, मैंने अक्सर आप लोगों को देखा रहा है लेक्चर्स में, जब मैं ये चीज पूछता हूं आपसे तो आप लोग अच्छे से इसको कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाते हो। जैसे इकोनॉमिक्स में नितिन सिंघानिया में जब हमने तीसरा चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर रिपोर्ट्स थी बड़ी सारी, तो कुछ बायएनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ बायएनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता कि पता नहीं लग पाता सर हमें कि एक साल में दो बार कैसे पहचाने या दो साल में एक बार कैसे पहचाने। इस अंग्रेजी शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक शब्द याद रख लो, एनुअल तो आपको पता है ना, एनुअल होता है एक साल। इसके आगे आप बाय लगा रहे हो तो एक साल में, जैसे आप इसको लिख लो, एक साल एनुअल होता है, बाय का मतलब होता है टू, यानी कि एक साल में कोई भी चीज जो दो बार हो रही है वो बाय एनुअल है। अब इसके अलावा इसका रिवर्स रिवर्स वर्ड जो अपोजिट वर्ड है वो कौन सा बचा, बाइनियल, तो वो क्या होगा, दो साल में एक बार होने वाला। समझ गए, ऐसे याद रखता हूं मैं तो उसको, हो जाती है कंफ्यूजन, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो इनका एक बाइनियल फेस्टिवल होता है दो साल में एक बार मनाया जाने वाला फेस्टिवल, जहां पर जो कोटास होते हैं दे कलेक्ट मड फॉर पॉटरी मेकिंग, और उस फेस्टिवल को हम लोग कहते हैं एयानूर अमानूर फेस्टिवल। एयानूर अमानूर एक फेस्टिवल है विच इज सेलिब्रेटेड बाय कोटा ट्राइब ऑफ नीलगिरीज। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल दिस ट्राइब कलेक्ट मड फॉर पॉटरी, द पॉट मेकिंग सेरेमनी इज हेल्ड वंस इन टू ईयर्स, दो साल में एक बार। कुछ ऐसे ड्रेसअप होते हैं इसमें। कल मैंने आपको एक इमेज शेयर करी थी ग्रुप पे, मैं इंस्टाग्राम पे ज़रा स्क्रोल कर रहा था, रील्स देख रहा था लड़कियों की, मैं तो उस पर ये एक ऐड आई थी, ठीक है, हिकी पिकी
आदिवासी हेयर ऑयल फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो है आदिवासी हेयर ऑयल जो है आजकल इंडिया में काफ़ी प्रचलित हो रहा है बहुत सारी जगहों पे, और ये चीज़ मैंने आपको इसलिए दी थी क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने आपको बताया था कि इससे याद रखना, हिकी पिकी आदिवासी दे आर फ्रॉम कर्नाटका, और हमारी बुक के अंदर भी दे रखा है हक्की पक्की या फिर हिकी पिकी कह लो फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। तो हक्की पक्की हक्की पिकी एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है विच इज फाउंड इन कर्नाटका। ट्रेडिशनली दे आर बर्ड कैचर्स एंड हंटर्स। दे आर बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान एंड दे हैव माइग्रेटेड टू कर्नाटका वाया आंध्र प्रदेश। ऐसा माना जाता है इनका ओरिजिनेशन जो है इट इज़ फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, यानी कि कहाँ से, गुजरात और राजस्थान को अगर आप बोलो तो क्या बोलोगे, वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया से कहाँ पर आ गए, साउथ इंडिया टू कर्नाटका, कर्नाटका तक आ गए, इनका सेमी नोमैडिक ट्राइब है ना क्योंकि कर्नाटका के अंदर, और कहाँ से आए कर्नाटका में भी, आंध्र प्रदेश से, ऐसा माना जाता है। दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स लाइक नॉर्दर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र में इनको बोला जाता है मेल शिकारी। जो सबसे बड़ा बेटा होता है इनके परिवार में, ही इज नॉट सपोज टू कट हिज हेयर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, के एक घर का सबसे बड़ा बेटा है ये भी भाई, पक्का फिर घर का सबसे बड़ा बेटा होगा, इसका थोपड़ा देख के ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जो ट्राइब के लोग हैं दे प्रेफर क्रॉस कजन मैरिजेस, ठीक है। जो दूर के कजन्स होते हैं, पास के कजन्स होते हैं, आपस में कजन्स जो है वो शादी कर लेते हैं। एंड मोनोगैमी इज द नॉर्म। व्हाट इज मोनोगैमी? मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? मोनोगैमी इज अ रिलेशनशिप विद ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम रेदर देन मल्टीपल पार्टनर्स। तो ईशा अच्छी शादी है, बुरी शादी है? कहां से अच्छी है वो क्या कह रहा है, रेदर देन मल्टीपल पार्टनर्स? सबसे दुखद बात तो यही है इसके अंदर। ठीक है, द सोसाइटी इज मैट्रियार्कल। ईशा देख रहे हो इस ट्राइब में कितना कुछ कुर्बान करना है, एक तो चिड़िया पकड़ के लानी है, फिर तुम्हें शिकार करना है, फिर घर का सबसे बड़ा बेटा जो है वो बाल नहीं काटेगा, बीवी भी एक। द सोसाइटी इज मैट्रियार्कल वेयर द ग्रूम गिव्स अ डाउरी टू द ब्राइड्स फैमिली, ठीक है। जो दूल्हा है वो दहेज देता है दुल्हन के परिवार को। फायदा मैं तो कहूंगा यहीं सेटल हो जाओ तुम। इन रिसेंट ईयर्स हक्की पिकी ट्राइब मेंबर्स जो हैं दे हैव बीन ट्रैवलिंग टू अफ्रीका टू सेल देयर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स विच आर इन ह्यूज डिमांड देयर। अब क्या हुआ, इन्होंने इसी साल 2023 और 24 में भारत के अंदर ये प्रचलन शुरू करा कि ये आदिवासी हेयर ऑयल अपना बेचने लगे, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है, दावा है कि जिनके सर पे बहुत कम बाल रह गए थे उनके इस इनकी जड़ी बूटियों से बनी हुई जो बाल हैं वो आने लगे हैं वापस। एक्चुअली क्या है, ये अपनी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, इस ट्राइबल ग्रुप के लोग जो हैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, इनका व्यवसाय जो है, इनका जो रोजगार है, काम धंधा है, वो उनके पास है नहीं वहाँ पर। लेकिन जिन जंगलों में ये रहते हैं वहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसी औषधि से,
ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाना, ये इनको आता है, ये इनकी परंपरागत से ये इनकी नॉलेज है, ये इनका पुश्तैनी काम है और बड़ी सारी पीढ़ियों से ये इस चीज़ की ट्रेडिशनल नॉलेज रखते हैं। तो उससे अगर ये कुछ अपने पैसे कमाकर अपना रोजगार अगर इंश्योर कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। 2023 में हकी पिकीज जो है दे गॉट कॉट इन सुदान कन्फ्लिक्ट, सुदान के अंदर क्राइसिस हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये फंस गए थे और ये वहां तक पहुंचे कैसे, अभी लिखा हुआ है ना, हकी पिकी ट्राइब मेंबर्स हैव बीन ट्रैवलिंग टू अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मतलब, टू सेल देयर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स दिया। तो सुदान कहाँ की कंट्री है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दोस्तों साल 2023 के फिल्म्स के अंदर, लास्ट ईयर के फिल्म्स के अंदर, जैसे इस साल भी यूपीएससी ने क्राइसिस रीजन वाले कंट्रीज तो पूछी हैं, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इन द रीसेंट ईयर्स शैड, गिनीस, माली एंड सुदान कंट्रीज हैं, दे कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कॉमन टू ऑल ऑफ देम, डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेसिस, याद रखना पूछा उसने क्या, सबके लिए जो कॉमन है यहाँ पर, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सारा डेजर्ट या फिर सक्सेसफुल कूस। कू क्या होती है? ये कू वर्ड के बारे में आपने यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स में अच्छे से सुना हुआ है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, कौन सी वाली बुक, कोल्ड वॉर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक। तो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन होता है वहां पर आप उस एक कंटेक्स्ट के अंदर आप सुनते हो कि जो सीपीएसयू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का जो लीडर था मिखेल गर्बाचोव, वो दो तरह के रिफॉर्म्स लेकर आया था, है ना, यूएसएसआर के अंदर, जो कि उसके पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आए थे, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट उसके नाम थे, रशियन वर्ड्स है दोनों, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, तो वो उसके पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आए थे और तब उसकी पार्टी के अंदर तख्ता पलट हो गया था, उसको कहते हैं हम लोग कू, ठीक है। और वो रोका किसने था सक्सेसफुल तरीके से, जो सीपीएसयू में एक रूल होता था कि जो सीपीएसयू का जो जनरल सेक्रेटरी होगा वही देश का प्रेसिडेंट होगा, तो मिखेल गर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी थे वही प्रेसिडेंट बने। तो जब कू हो गया और कू होने के बाद यूएसएसआर के रिपब्लिक्स में हिम्मत आ गई और वो तितर बितर होकर बिखर गए 15 कंट्रीज के अंदर, तो रशिया की कमान फिर जो संभाली वो संभाली थी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने, क्योंकि लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर हम लोग बोलते हैं मिखेल गर्बाचोव को एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हम लोग बोलते हैं बोरिस येल्सिन को। तो बोरिस येल्सिन भी कुछ ड्रास्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आना चाहता था, तो वो रशिया में इंट्रोड्यूस करता है शॉक थेरेपी, लेकिन शॉक थेरेपी रिवर्स तरीके से वर्क करती है और वो सच में रशिया और अर्स्टवाइल यूएसएसआर के रिपब्लिक्स को शॉक दे जाती है, ठीक है, वहां पर आप ये कू वर्ड के बारे में सुनते हो। तो इन चारों कंट्रीज में से ये कॉमन रीजन कौन सा निकल कर आता है? द करेक्ट आंसर इज सक्सेसफुल कू, ओके, क्योंकि सुदैन वर्ड यहां पर आया तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया, 2023 की ये वाली बात है और यहां पर भी 2023 में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये चीज क्लियर, किसी को कोई डाउट यहां तक? सेवेंथ साउथ इंडियन ट्राइब के ऊपर हम लोग चलते हैं, कोया ट्राइब। जो कोयास हैं दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। ट्रेडिशनली जो कोयास हैं दे वर सोल्जर्स ऑफ पालेगार्स फ्यूडल लॉर्ड्स एंड दे प्रैक्टिस्ड पोदू कल्टिवेशन। टुडे कोयास आर मेनली सेटल्ड कल्टिवेटर्स एंड आर्टिजन्स, कारीगर हैं। कोया ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं वो मदद करते हैं इंडियन बायसन को
या इंडियन बाइसन की कंजर्वेशन एफर्ट्स में। कोयास जो है पापीकोंडा हिल्स में, दे स्विच फ्रॉम बाइसन हॉर्न्स टू पाम लीव्स फॉर देयर ट्रेडिशनल फ्लूट। पहले वो बांसुरी बनाते थे जो बाइसन होता है उसके सींगों से, लेकिन अब वो पाम लीव्स की तरफ शिफ्ट कर गए, ठीक है, और उसको बोला जाता है परमाकोरे एज अ कंजर्वेशन मेजर फॉर इंडियन बाइसन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। अब बाइसन कैसा दिखने वाला जानवर होता है, ये एक तरीके का जंगली भैंसा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पहले ये उसके सींगों से बांसुरी बनाते थे, अब ये जो है पाम लीव से अपनी ट्रेडिशनल फ्लूट जो है वो बना लेते हैं। इन्होंने अपनी अप्रोच, अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये बनाते थे इससे, इनके सींगों से, अब ये जो है यूज करते हैं। देखो लिखा हुआ है कोया ट्राइब्स राइड्स द इको फ्रेंडली वेव टू हेल्प कंजर्व द इंडियन बाइसन फॉर ईस्टर्न घाट्स। अब ये पाम लीव से बनाते हैं, देखो है ना, बंधी हुई ना पत्तियां से, गोल 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 गोल, पहले बनाते थे इससे। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अब हम कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं साउथ इंडिया की और देखेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो आइलैंड रीजन है हमारे लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पर कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, और क्या दोनों आइलैंड ग्रुप्स में ट्राइबल कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, क्या लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार आइलैंड्स या फिर सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you very much for discussion.